ओडिशा बालासोर के बहानगा बाजार स्टेशन। करीबन शाम के 7 बज रहे थे। कई लोग ट्रेन में सो रहे थे तो कई लोग अपने परिवार के संग गपशप कर रहे थे तो कई लोग अपने स्टेशन का इंतजार कर रहे थे। पर इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जो उन यात्रियों ने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल शालीमार चेन्नई कोरोमंडल एक्सप्रेस डिरेल हुई थी। इसके कुछ डिब्बे दूसरी पटरी पर पलटे और दूसरी तरफ से आ रही यशवंतपुर हावड़ा एक्सप्रेस से टकरा गई। इसके बाद दोनों ट्रेनें की कुछ बोगिया पटरी से उतर गई और ये बोगिया दूसरे ट्रैक पर खड़ी मालगाड़ी से भिड़ गई, जिसके बाद मानो वो इलाका शमशान में तब्दील हो गया। जहां तक नजर जा रही थी वहां लाशें पड़ी थी। जमीन में मिट्टी कम, इंसान के शरीर के टुकड़े ज्यादा दिख रहे थे। कहीं किसी का हाथ, किसी का पैर तो किसी का सर, और कुछ लोग अभी भी बोगी में दबे हुए हैं। ऐसा दृश्य जो मन को झकझोर देता हो, पर उन यात्रियों को क्या पता था कि उनका यह आखिरी दिन होगा। कोई अपने सपनों को सजाने के लिए जा रहा था, कोई अपने परिवार के संग छुट्टी मनाने के लिए जा रहा था, पर यह किसे पता था यह यात्रा उनका अंतिम होगा। पूरे इलाके में चीख पुकार मच रही थी। किसी ने अपने बेटे को खोया, किसी ने अपने पिता को, तो किसी ने अपनी माँ को। इस हादसे में 238 लोगों की जान गई, 900 से ज्यादा यात्री घायल हैं, जो जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। इधर इस हादसे को लेकर सीएम नवीन पटनायक ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 3 जून को राज्य में एक दिन का राजकीय शोक घोषित किया है, जिसमें पूरे राज्य में 3 जून को कोई उत्सव नहीं मनाया जाएगा। इधर इस हादसे को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, ओडिशा में ट्रेन हादसे से व्यथित हूँ, दुख इस घड़ी में मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिवार के साथ है, घायल जल्द स्वस्थ हो। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से बात की और स्थिति का जायजा लिया। दुर्घटना स्थल पर बचाव कार्य जारी है और प्रभावित लोगों को हर संभव सहायता दी जा रही है। इधर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि मैंने यह पता लगाने के लिए उच्च स्तरीय जांच करने का आदेश दिया है। यह दुर्घटना क्यों हुई, इसके मूल कारण तक पहुंचना महत्वपूर्ण है। इधर हादसे को लेकर दी गई प्रेस रिलीज में सामने आया कि ट्रेन संख्या 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के कोच B2 से B9 तक के कोच पलट गए थे। वही A1 A2 कोच भी ट्रैक पर औंधे जा पड़े। वही कोच B1 के साथ साथ इंजन पटरी से उतर गया और अंततः कोच H1 और GS कोच ट्रैक पर रह गए। यानी कोरोमंडल एक्सप्रेस में मरने वालों की संख्या अधिकतम हो सकती है। वही ट्रेन संख्या 12864 बेंगलुरु हावड़ा मेल के एक GS कोच क्षतिग्रस्त हो गया था। इसके साथ ही पीछे की ओर का GS कोच और 2 बोगियां पटरी से उतरकर पलट गई। वही कोच A1 से इंजन तक की बोगी ट्रैक पर रही।